चलो बच्चा, अभी ये सम ऑलरेडी हमने पहले किया हुआ है। मतलब आप बोलोगे सर इसमें इवन नंबर का मिडिल टर्म का सम किया था, इसमें ऑड नंबर आएगा, तो वही पॉइंट को ध्यान से समझना है बच्चा। फाइंड आउट द सम ऑफ मिडिल टर्म द फाइनाइट एपी, और ये हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लिखोगे ए इज इक्वल टू 213। इसके बाद डी जो लिखा हुआ है A1, A2, A3, और आप बोलोगे ये An है, तो आप बोलोगे सर A2 माइनस A1 205 माइनस 213, तो आप बोलोगे सर सिंपल यहाँ पे होगा माइनस 8, और An जो हमें पता है 37। यहाँ पे ध्यान में रखना इनफाइनाइट नहीं बोला है, फाइनाइट बोला है, तो आप कैलकुलेट कर पाओगे। आगे जाओगे बच्चा तो आप An इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, An जो है वो 37, A जो है 213, एन माइनस 1, एंड D जो लिखेंगे बच्चा वो आप बोलोगे माइनस 8। तो यहाँ पे इतना होने के बाद बच्चा आप लिखोगे यहाँ पे सिंपल वे में 37 का 37, 213, यहाँ पे आप बोलोगे 8n, और यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो ये 8 हो जाएगा। तो अभी बच्चा हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो पहले ये दोनों का प्लस कर देते हैं जो होगा 221, और दूसरा जो आप बोलोगे बच्चा यहाँ 37 माइनस में लिख देते हैं, और 8n हम दूसरी साइड ले जाएंगे, ये आपको क्लियर होना चाहिए। देखो बच्चा सर ने लिखा तो यहाँ माइनस की साइन, लेकिन यहाँ पे जो करना था वो माइनस लिखना था, माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान क्या रखना है माइनस होगा, वो गलती आपसे नहीं होना चाहिए। तो हमने 8n दूसरी साइड ले लिया, यहाँ पे लिखा 213 प्लस 8 माइनस 37, तो आप बोलोगे 8n इज इक्वल टू सबका प्लस एंड माइनस करोगे तो 184, और आप बोलोगे 184 डिवाइड बाय 8 करोगे तो 23 आ जाएगा। जैसे बच्चा 23 आ गया आपको n मिल गया, ये बच्चा ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर का मिडिल टर्म ढूंढना है तो आप बोलोगे n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो सॉल्व करोगे तो बच्चा कितना होगा, ये है 23 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो 24 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, 12th टर्म हमें ढूंढना है। समझ में आया, क्योंकि ये ऑड नंबर है तो हमें सिंपल ये फॉर्मूला यूज करनी है। तो आप बोलोगे सर अभी आप बोलोगे s आपको सम ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू, आपको एक ही मिडिल टर्म है तो इसमें तो आप बोलोगे सर सिंपल हमें an ढूंढना पड़ेगा, तो लिख सकते हैं सम ऑफ मिडल टर्म, तो आप बोलोगे s 12, आप बोलोगे s 12 जो होगा a प्लस n बाय 2, s 12 लिख नहीं सकते बच्चा, क्योंकि रीजन क्या है, सम ऑफ 12 नंबर नहीं है, खाली मिडल टर्म का टोटल करना है। वर्ड फोकस करना, सम ऑफ 12 नंबर नहीं बोला हुआ है, खाली 12 नंबर का टोटल करना है, तो वो ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप बोलोगे सर फॉर्मूला कुछ इस तरह लिखनी पड़ेगी, a प्लस एन माइनस 1d, जो a है वो ऑलरेडी हमें पता है 213, n जो है वो 12 माइनस 1, और d जो है वो माइनस 8 होगा, यहाँ पे 1213, यहाँ पे 11, ये माइनस 8, 213 माइनस 88, 125 जो हमें ढूंढना था मिडल टर्म का सम, और मिडल टर्म ढूंढनी थी तो वो भी हमने ढूंढ लिया। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म हुआ। प्रॉपर नोटबुक में लिखना बच्चा तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें थोड़े आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करना है तो भी कर सकते हैं, सम वर्ड नहीं निकालना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइंड आउट द मिडल टर्म ऑफ फाइनाइट एपी। एक्चुअली ऐसे ही क्वेश्चन ड्राफ्ट किया जाएगा, थोड़ा क्वेश्चन लिखने में आगे पीछे हुआ है वो ध्यान रखना बच्चा। क्या लिखा है, फाइंड आउट द मिडल टर्म ऑफ द फाइनाइट एपी, क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ सम लिख ही नहीं सकते, तो आप लिखोगे मिडल टर्म इज इक्वल टू करके कैलकुलेशन कर लोगे, क्योंकि हमारा मिडल टर्म है वो कौन सा, ए 12 ही है, क्योंकि हम सम नहीं लिख सकते, वो ध्यान में रखना। सम जब होगा, जब दो टर्म होगी प्लस करना होगा तब होगा। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म हुआ। प्रॉपर नोटबुक लिख लो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, दूसरे बच्चों के साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ।